हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं यहाँ अपनी डॉटर के घर गुड़गांव आई हुई हूँ, तो आज मैं आपको इनके बगीचे का ओवरव्यू दिखाती हूँ। तो शुरुआत करते हैं एंट्रेंस से। ये मुद्दा जी हैं, आप देख ही रहे हैं, और ये सब ग्रीन प्लांट पहले भी ऐसे ही रखे हुए थे। ये तो बहुत छोटी सी थी पीस लिली, अभी देखिए आप इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है। और बहुत लोगों ने मुझे कहा कि इसका पॉटिंग सॉइल पे चलेगी कि नहीं, तो देखिए पॉटिंग सॉइल वही डला है इसमें, ईंट के टुकड़े और कोल, चारकोल और कुछ नहीं है। और इसमें खूब अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है और ये मल्टीप्लाई भी हो गई। एक ही प्लांट लगाया था इसमें, डफन बेकिया, फिलोडेंड्रॉन, मनी प्लांट देखिए खूब अच्छा ऊपर हो गया, ऊपर तक पहुँच गया। अब इसको स्टिक वगैरह चाहिए कुछ, ये शफलेरा और ये कोलियस, ये फर्न लगे हैं पीछे ना, और ये इधर पीछे ये है ब्रह्म कमल, ये भी कटिंग से लगाया हुआ था, कटिंग भी लगी गई होंगी सारी। ये देखिए इसमें कटिंग भी लग गई है सारी, और ये सन ऑफ इंडिया भी लगाया था इसमें, ये भी लग गए सारे। ड्रेसिना विक्टोरिया, ये अम्ब्रेला पाम है, ये वाला जो दिख रहा है ये अम्ब्रेला पाम है, फिर ये बीच में फर्म है, ये सब एरिका पाम है लाइन से यहाँ पर सारे, ये एरिका पाम है सारे, है ना। ये इसमें ये हमारे घर से ही आया है हेलिकोनिया और प्लेन वाला शफलेरा, सब बोगनवेलिया, सिल्वर डस्ट, बोगनवेलिया, ये येलो वाला है बोगनवेलिया। और ये खाली हो गया एक्वेरियम, इसमें कमल लगाया हुआ था, इसको हमने शिफ्ट कर दिया है पॉट में, वो दिखाती हूँ मैं आपको भी। ये मुसंडा, वाइट मुसंडा, पीच कलर का वाइट बुगनवेलिया, और ये अलमंडा है बड़ा वाला, अच्छा है ना। ये बेसिल, ये दूसरी वाली है जिसे सब्जा भी कहते हैं, ये वो वाली है, इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, है ना। और ये जाट्रोपा बुद्धा बेली, इसका फ्लावर, ये हैं कमल यहाँ इसमें टब में शिफ्ट कर दिए, तो अब यहाँ पे इनकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी हो रही है, वहाँ फुल सनलाइट में थे तो इतनी चल नहीं रहे थे अच्छे, है ना। ये रबर प्लांट देखिए, ये एक ही था, इसको मैंने कटिंग कर दी थी, इसको कटिंग से ही लगाया था, और फिर इसको मैंने मल्टीप्लाई करने के लिए इसकी मेन ब्रांच काट दी थी, तो ये इसमें से ये चार निकली हैं। अब इन चार में से भी देखिए आप ये हो रही हैं, घनी निकल रही है ये, और ये इधर से और निकल रहा है इधर से, तो इससे ये अच्छा काफ़ी घना हो जाएगा, तो मैं चाह रही थी कि घना होए। ये टेंगल हार्ट वाइन बहुत अच्छी हो गई इसकी, ये उतार के रखी हुई है क्योंकि अभी ना एक दो दिन में काम शुरू होने वाला है वाइट वॉश का। ये देखिए श्रिम्प, अच्छा लग रहा है ना। मेरा हालत अभी 3 महीने बाहर रही थी, थोड़ा इसकी हालत गड़बड़ हो गई, और इसका दिखाऊंगी आपको वीडियो। ये सब टूटे गमले, एक गमले के दो पार्ट हो गए थे एक बराबर बराबर, ये उसमें लगाए हैं सब कैक्टस और सकुलेंट्स, और सब बहुत अच्छे चल रहे हैं। मिट्टी भी ऑर्डनरी ली है, वेलरेन सॉइल, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन बहुत हाइट पे था तो बाहर निकल ही नहीं सकते थे घर के। ये स्पाइडर प्लांट की बास्केट है, और ये बेबी सन रोज की बास्केट है, देखिए कितनी नीचे तक आ रही है, देखिए बहुत नीचे तक आ रही है, बिल्कुल नीचे तक आ रही है। इसमें टर्टल वाइन भी लगी हुई है, और वो भी टर्टल वाइन की है बास्केट, टर्टल वाइन बेस्ट होती है हैंगिंग बास्केट में लगा, बहुत फास्ट चलती है और इतनी बढ़िया ग्रीन रहती है कि देख के हमेशा दिल खुश हो जाता है। और ये है नींबू का पेड़, अभी तो काट दिया है क्योंकि अभी इसकी फसल ली थी ना मैंने, डाला भी था उसमें कम्युनिटी पे, उसमें बहुत सारे नींबू निकले थे तो इसलिए कटिंग कर दी, तो अब नई ब्रांचेस निकल रही हैं, उन पे आएंगे नए फूल और नई फ्रूट्स। ये बेबी सन रोज का हैंगी बास्केट ही बनाया हुआ है हमने, ये वेरीगेटेड वेराइटी का है, ये मैंने मतलब देखा ही फर्स्ट टाइम था। ये इधर मोतिया की बेल, मोगरा की चढ़ रही है बेल इधर से, इसमें फूल वूल आ रहे हैं, ऊपर ऊपर जा रही है ये। और ये इस साइड तेज़ धूप के कारण रोजेस के सारे गमले ये इस साइड रख लिए। ये चंपा का पेड़ लगा हुआ है रेड वाला, आप दिख रहे होंगे ऊपर दिख रही है रेड रेड चंपा, पता नहीं दिख भी रही है कि नहीं। और बीच में से मधुमालती जा रही है थर्ड फ्लोर तक, ये देखिए
खूब फूल तो खूब आ रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, अभी ऊपर से भी दिखाऊंगी मैं। ये है नीली बेल या थनबर्जिया बोलते हैं ना, जिसमें ब्लू कलर के फूल आते हैं, और ये एक ही डाल से लगाई थी मैंने, देखिए अभी खूब बड़ी हो गई है और इसमें खूब फूल आते हैं। ये पपीते उग रहे हैं क्योंकि हम जो किचन वेस्ट होता है वो क्यारियों में ही दबाते जाते हैं, तो कई जगह आपको फ्रूट्स के भी बीच बीच में मिल जाएंगे और सब्जियों के भी मिल जाते हैं, टमाटर वगैरह भी उगते रहते हैं नहीं बीच में। ये देखिए फिर पपीते का आ गया, ये गुड़हल है, गुड़हल कई तरह के हैं, डबल वाले भी, सिंगल वाले भी, मल्टी कलर्ड में। ये देखिए देसी वाला गुलाब है, ये वाइट वाला गुड़हल है, मतलब सिंगल वाला, 5 पेटल वाला है ये, और अच्छा ऊंचा हो रहा है। अभी ये हालत ना बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि लॉकडाउन के कारण क्या कि कोई हेल्प नहीं है, तो आपका घर का पूरा काम करना है, ऑफिस का पूरा करना है और फिर गार्डनिंग का करना है, तो ये उतने परफेक्शन से हो नहीं पाता काम। ये देखिए बीच में ही ये लौकी की बेल उग गई है और इसमें एक दो लौकी लगी भी हैं, अभी तोड़ी गई हैं। इधर टंडी खाली भी दिख रही होगी आपको, ये देखिए खाली है ना, इसमें उगा हुआ था। और फिर ये देसी गुलाब, ये देसी वाला गुड़हल, ये देसी गुड़हल बेस्ट होता है, आप चाहे कुछ कर लो खूब फूल आता है, कुछ ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम भी नहीं है, हाइब्रिड वाले में तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। ये वो है सर उसका पेड़ चाइना ऑरेंज, अब काफ़ी ऊंचा हो गया ये, अभी 2 साल ये लोग बाहर रहे तो जो पीछे थे टेनेंट्स उन लोगों ने इतनी ज़्यादा केयर की नहीं, प्लांट बहुत ख़राब हुए, तो अभी 1 साल से है ये यहाँ पर, तो अब थोड़ा सा प्लांट थोड़े ना ग्रीनरी दिखने लगी ढंग से। ये टिकोमा ऑरेंज वाला है, ये भी कटिंग से बहुत अच्छे से लग जाता है। ये देखिए ये मिर्ची वाला गुड़हल है, ये भी कटिंग से ही लगाया था हमने, कहीं से कटिंग ली थी। और ये जो नीचे उग रहे हैं आपको दिख रहे हैं, ये गुलमेंदी है बॉल्सम है ना, देखिए काफ़ी बड़े बड़े हो गए इनके प्लांट से। ये आम का पेड़ लगाया हमने अभी केसर के लिए थे, पीछे मैंने लिए थे तब दिखाए भी थे शायद आपको, और ये छोटी हाइट का ड्वार्फ वैरायटी का ही है तो इसको लगाया है। अब ये भी इसकी भी हालत सुधर गई, नई पत्ते आ गए इसमें। ये स्थल कमल है, पिंक कलर का है, ये डार्क पिंक कलर का है ना। और ये वाला जो प्लांट है इसका नाम उसने तोतापुरी बोला था माली ने, गार्डनर उसने, नर्सरी वाले ने, और इसमें ऑरेंज कलर के फूल थे, अभी पता नहीं मुझे एग्जैक्ट नाम इसका क्या है, देखना पड़ेगा। और ये भी पेड़ जैसा ही बनेगा समझिए, 10 फीट तक की हाइट का, 12 फीट तक की हाइट का जाएगा ऊपर ये। ये कैक्टस हैं, इसमें ये टर्टल नेक वाइन में देखिए कितनी अच्छी लग रही है, और ये बॉन्ज़ाई बनाया हुआ था तो ये एक तरह से मल्चिंग का काम भी कर रही है उसमें है ना, तो ये छोटी छोटी वाइन्स का ये भी एक बहुत अच्छा यूज़ होता है। ये वाइट वाला है गुलाब, इसमें बहुत फूल लगता है देख रहे हैं आप है ना, अभी थोड़ा सा मौसम और सुधरेगा ना, एक दो बारिश हो जाएंगी फिर तो ये लदा रहता है फूलों से सारे टाइम। ये थाईलैंड वैरायटी का ड्वार्फ गुआवा है, अमरूद का प्लांट, और इसमें जब मैं लिया था तब भी इसमें छोटे छोटे अमरूद लग रहे थे, अभी भी आप देखिए इसमें फूल आ रहे हैं, दिख रहे हैं। इसकी हाइट भी ज़्यादा ऊँची नहीं जाएगी, को यहाँ से दिखा रही हूँ एक बारी व्यू, ये बाहर जाने वाला गेट है और ये बगीचा है इस साइड, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, और इसके बाद ये एंट्रेंस है, यहाँ से ये एंट्रेंस स्टार्ट होती है ठीक है। तो अब हम चल रहे हैं बैकयार्ड में, ये तो सब जो एक्स्ट्रा प्लांट्स थे छोटे छोटे सारे लगा रखे हैं इसमें, और देखिए अब सब अच्छे चल रहे हैं, किसी कोई किसी चीज़ में लगा, कोई किसी चीज़ में, कप में, ग्लास में, मग्गे में, सब चल रहे हैं बढ़िया। और ये सब हैंगिंग बास्केट, ये एक्चुअली एक सनरूम है जिसको बनाया गया था कि इसके ऊपर बेलें चढ़ा के और अंदर पूरा गुफा जैसा एटमॉस्फेयर रहेगा, तो अब लगभग वो वैसा ही एटमॉस्फेयर हो गया, आपको बीच में अंधेरा भी दिख रहा होगा ना। तो ये इसमें जो टोकरियाँ हैं ये सब हमने कब 1 साल पहले ही बनाई थी, ये इसमें सब है पर्पल हार्ट, और ये है इसमें वेंटिंग ड्यूब और टर्टल वाइन और पर्पल हार्ट, और ये है इसमें रियो छोटा वाला, अगेन ये टर्टल नेक, और ये स्पाइडर प्लांट्स हैं सारे इसमें, इस साइड देख रहे हैं आप, इसमें लगी है इंग्लिश आई भी और छोटे छोटे बहुत कुछ हैं। ये देखिए टर्टल वाइन है पीछे भी और इसमें भी, और ऊपर उसमें स्पाइडर प्लांट है, उस साइड भी स्पाइडर प्लांट है,
और ये देखिए इसमें भी बहुत सारे कैक्टस और सकुलेंट्स हैं, ये लाके इधर रखे हैं क्योंकि बहुत तेज़ धूप रहती है और लू चलती है, उससे बचाने के लिए इधर रखें। और यहाँ ये सब ठीक ठाक चल रहे हैं। नीचे ये सारे फिलोडेंड्रॉन हैं ये, और ये भी उसी की ही एक और वेराइटी है, साइप्रस एरिका पाम, एरिका पाम, एरिका पाम डफन बेकिया एरिका पाम बहुत सारे हमारे। और स्पाइडर प्लांट, ये सब छोटे छोटे डेकोरेशन वाले पॉट्स हैं जो रखे हुए हैं, कोलियस के, सिंगोलियम के। और ये मनी प्लांट के हैं दोनों पॉट्स, आप देख रहे हैं मनी प्लांट कहाँ नीचे तक पहुँच गया बिल्कुल। और ये वाला वेरीगेटेड वाला है जो दिख रहा है आपको, और ये बैकग्राउंड में है सारा। अभी वही मैंने आपको कहा भी कोई हेल्प नहीं है, तो सब ओवरग्रोन हो रही है सारी चीज़ें, है ना। ये सब हैंगिंग बास्केट सब बहुत अच्छी हैं, सब बहुत अच्छी ग्रीन लटक रही हैं। और इसमें भी सारे कैक्टस एंड सकुलेंट्स रखे हैं इस शेप में, और आगे है उसमें भी रखे हुए हैं। लाइट का थोड़ा सा इशू आ रहा है ना। ये जो आपको दिख रही है इस पर चढ़ी हुई है पैसिफ्लोरा, कृष्ण कमल बोलते हैं जिसको, ये पर्पल वाले कलर का है। और ये मिर्च का है प्लांट, और साथ में ये जो लगा है ये बेसिल है, ये दूसरी वाली पीछे आपको दिखाई थी मैंने, उसमें पर्पल फ्लावर थे, ये वाइट वाली है। इसकी खुशबू अलग है और उसकी दूसरी तरह की खुशबू है, ठीक है। पीछे जो ये दिख रहा है आपको, ये इलायची ग्रीन वाली छोटी इलायची, और ये है करी पत्ता। ये वाले सारे मिर्च लगी हुई है, छोटी वाली गोल वाली जो मिर्च होती है ये दिख रही होगी आपको। और ये भी एक तरह की पालक ही है, ये पपीते का पेड़ है, ये लगाया हुआ है घर के ही पपीते में जो आता है बीज, उसी से लगाया है। अभी इस पर बनाऊंगी वीडियो, फिर आपको दिखाऊंगी। और ये वाला जो जंगल है, ये मिक्स्ड वाला है जंगल, इसमें सेम की बेल लगी है, लौकी की बेल लगी है, तुरई की बेल लगी है, और सब नीचे लगी हैं। और यहाँ नीचे गुफा सा माहौल रहता है एक्चुअली, इससे दीवार पर थोड़ा सा प्लास्टर हो रहा है, तो उसका भी थोड़ा मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपको आई थिंक ठीक लगा होगा ये ओवरव्यू, क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी में अबव 43-44 के टेम्परेचर में अपनी ग्रीनरी बचाए रखना, सारे प्लांट्स को ज़िंदा रख लेना, ये एक बहुत बड़े मिशन को फतेह कर लेना जैसा होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर फिर आती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।